हे hey दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट कर लिया है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुना होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त दक्ष और आप देख रहे हैं अमेजिंग टॉप फाइव। दोस्तों, सुपरस्टार शाहरुख खान नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, सुपरस्टार शाहरुख खान ने इन विच एनी गिव इट दोज वन नामक इस फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म का निर्देशन अरुंधति रॉय ने किया था। दोस्तों, फिल्म मेरा नाम जोकर अभी तक की सबसे लंबी फिल्म है। ये फिल्म लगभग 255 मिनट की है, यानी कि 4 घंटे और 15 मिनट। इसीलिए इस फिल्म में दो इंटरवल दिखाए गए थे। दोस्तों, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन ने 5 फिल्मों में एक दूसरे के सगे भाई का किरदार निभाया है और ये पांचों ही फिल्में हिट रही। ये कोइंसिडेंस अपने समय पर काफी हिट रहा था और ये फिल्में थी 2 और 2 5, दीवार, सुहाग, नमक हलाल और सिलसिला। फिल्मों में करियर शुरू करने से पहले दीपिका पादुकोण पर्दे पर क्या आप क्लोजअप करते हैं इस विज्ञापन एड में दिखाई दी थी और इस विज्ञापन ने दीपिका पादुकोण की किस्मत ही बदल दी। और आज आप देख ही सकते हैं कि दीपिका पादुकोण कई फिल्में कर चुकी हैं। दोस्तों, फिल्म अव्वल नंबर के एक सीन में आदित्य पंचोली और देवानंद की मृत माँ की जो फोटो दिखाई गई है, वो फोटो अमेरिका की मॉडल सिंडी क्रॉफोर्ड की है, जो अभी भी जिंदा है और उनकी उम्र आज 50 साल है। दोस्तों, रंग दे बसंती फिल्म में सियू नाम की लड़की के दादाजी की जो घड़ी दिखाई गई है, वो घड़ी असली है और वो घड़ी वास्तव में भगत सिंह की फांसी के समय 7:30 पर रुक गई थी। दरअसल सू के दादाजी ने अपनी आंखों से भगत सिंह को फांसी पर चढ़ते हुए देखा था और शायद ही आपने इससे पहले कभी इसके बारे में सुना होगा। अगर ये सच है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्मों की टिकट भारत में ही बिकती हैं और टिकटों के दाम सबसे कम भी भारत में ही हैं। सालाना भारत में 2.7 अरब टिकट बेचे जाते हैं, जिससे बॉलीवुड को अच्छी खासी कमाई होती है। दोस्तों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये फिल्म आप सभी ने देखी होगी, लेकिन इस फिल्म में जो टाइटल सॉन्ग है वो बॉलीवुड फिल्मों का अब तक का सबसे लंबा गाना है। ये फिल्म में 3 बार आता है और ये गाना 20 मिनट लंबा है। दोस्तों, फिल्म पा में अभिषेक बच्चन ने अमिताभ बच्चन के पिता का किरदार निभाया है और इस फिल्म के लिए इन दोनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया जा चुका है। दोस्तों, श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में 13 वर्ष की आयु में एक तमिल फिल्म में रजनीकांत की मां की भूमिका निभाई थी, जिस वजह से श्रीदेवी को आज भी याद किया जाता है। 1899 में बॉलीवुड की पहली फिल्म और 1910 के करीब हॉलीवुड की पहली फिल्म बनाई गई थी, यानी कि बॉलीवुड हॉलीवुड से बहुत पुराना है। दोस्तों, अखबारों की हेडिंग को देखकर देवानंद ने अपनी फिल्मों के नाम रखे थे। उनका ऐसा मानना था कि ऐसा करने से लोगों और फिल्मों के बीच कनेक्टिविटी बनी रहती है। दोस्तों, जगदीश राज ने फिल्मों में 144 बार पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया है और इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दोस्तों, सुनील दत्त से शादी करने से पहले नरगिस ने एक फिल्म में सुनील दत्त की मां का रोल निभाया था और उसी के बाद उन्होंने अपनी मां से यानी नरगिस से शादी कर ली। दोस्तों, पाकिस्तान के एक स्कूल में ए मालिक तेरे वंदे हम ये गाना भजन के रूप में गाया जाता है। दोस्तों, अभिनेता धर्मेंद्र को अभिनेत्री सुरैया की फिल्म दिल लगी बहुत पसंद थी और वो मीलों पैदल चल के इस फिल्म को देखने जाया करते थे। दोस्तों, मात्र 16 साल की उम्र में डिंपल कपाड़िया ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और उन्होंने इसी दौरान राजेश खन्ना से शादी भी कर ली थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज कुछ नया जानने को मिला होगा।
अगर आपको आज कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।